कुछ पुनर्जागरण नाटकों में से एक शेक्सपियर के कार्यों को छोड़कर मंच पर एक निरंतर जीवन के साथ विक्टोरियन युग के दौरान उपेक्षा की अवधि को छोड़कर डंडा समरी ऑफ द प्ले नाटक का सारांश लंदन में प्लेग का प्रकोप एक सज्जन को मजबूर करता है लवविट अस्थायी रूप से देश में भागने के लिए अपने बटलर के एकमात्र आरोप के तहत अपना घर छोड़कर जेरेमी जेरेमी उसे दिए गए अवसर का उपयोग घर के उपयोग के लिए धोखाधड़ी कृत्यों के लिए मुख्यालय के रूप में करता है वह खुद को कैप्टन फेस में तब्दील कर लेता है और सुबेल एक साथी चोर की सहायता को शामिल करता है और डोले कॉमन, एक वेश्या। यह नाटक सूक्ष्म और चेहरे के बीच एक हिंसक तर्क के साथ खुलता है जिसमें धन के विभाजन से संबंधित है जो उनके पास है और इकट्ठा होता रहेगा चेहरा धमकी देता है कि सूक्ष्म से बना एक उत्कीर्णन एक चेहरा है जो कुख्यात राजमार्गकर्ता से भी बदतर है गमलील रात से जोड़ी को अलग कर दिया और उनके साथ कारणों को बताया कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें एक टीम के रूप में काम करना होगा उनका पहला ग्राहक डापर है एक वकील का क्लर्क जो सुबेल को उनके कथित क्रोमेटिक कौशल का उपयोग करने की इच्छा रखता है एक परिचित या आत्मा को अपने जुआ महत्वाकांक्षाओं में मदद करने के लिए बुलाने के लिए त्रिपक्षीय का सुझाव है कि डेपर परी की रानी के साथ पक्ष जीत सकते हैं लेकिन उसे उसकी मदद करने के लिए खुद को अपमानजनक संस्कारों के अधीन करना चाहिए उनका दूसरा गार्लड्रगर एक टोबैकोनिस्ट है जो एक लाभदायक व्यवसाय स्थापित करने के लिए उत्सुक है इसके बाद एक धनी व्यक्ति सरेपिक्योर मैमून आता है दार्शनिक पत्थर को खुद हासिल करने की इच्छा व्यक्त करते हुए जिस पर उसे विश्वास है कि वह उसके लिए बहुत बड़ी सामग्री और आध्यात्मिक धन लाएगा उसके साथ सूरी एक संशयवादी और कीमिया के पूरे विचार के डिबंकर उन्होंने दार्शनिक के पत्थर का वादा किया है और वादा किया है कि यह सभी आधार धातुओ को सोने में बदल देगा हालांकि को चोर होने का शक है मम्मो ने गलती से डोले को देखा और बताया गया है कि वह एक भगवान की बहन है जो पागलपन से पीड़ित है सूक्ष्म अनन्यासे क्रोधित होने के लिए संघर्ष करता है एनबैप्टिस्ट और मांग करता है कि उसे अपने संप्रदाय क्लेश के अधिक वरिष्ठ सदस्य के साथ लौटना चाहिए ड्रग लौटता है और उसकी दुकान स्थापित करने के बारे में झूठी और भद्दी सलाह दी जाती है वह यह भी खबर लाता है कि एक अमीर युवा विधवा डेम प्लांट और उसका भाई कस्तूरी लंदन आ गया है अपनी लालच और महत्वाकांक्षा में सूक्ष्म और चेहरा दोनों विधवा को जीतने के लिए खोज करते हैं एनाबैप्टिस्ट लौटते हैं और सोने में प्रसारित होने वाले सामान के लिए भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं ये वास्तव में मम्मू के समान है डैपर लौटता है और वादा किया जाता है कि वह जल्द ही परी की रानी के साथ मुलाकात करेगा ड्रगिस्ट कस्तूरी को लाता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सुबेल एक कुशल मैच निर्माता है अपनी बहन को लाने के लिए दौड़ता है ड्रगर को यह समझने के लिए दिया जाता है कि उचित भुगतान विधवा से उसकी शादी को सुरक्षित कर सकता है डैपर को आंखों पर पट्टी बांधकर कर परी अपमान के अधीन किया जाता है लेकिन वैमोन के पुन प्रकट होने पर वह चकित है और जल्दबाजी में पनपता है मम्मू को डोल से परिचित कराया जाता है उसे बताया गया है कि डोल एक रईस की बहन है जो पागल हो गई है लेकिन वह बंद नहीं किया जाता है और उसकी असाधारण तारीफ करता है कस्तूरी और उसकी बहन फिर आते हैं कस्ट्रेल को झगड़े में सबक दिया जाता है और विधवा चेहरा और सूक्ष्म दोनों को लुभाती है वे झगड़ा करते हैं कि उसके पास कौन है सुरीली वापसी एक स्पेनिश रईस के रूप में फेस और सुबेल का मानना है कि स्पनयार्ड कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है और वे उसका अपमान करते हैं वे यह भी मानते हैं कि वह एक महिला के लिए आए हैं लेकिन डोले मैमोन के साथ लगे भवन में कहीं और है इसलिए फेस को डेम प्लांट का उपयोग करने की प्रेरणा मिली वह एक स्पेनिश बनने के लिए अनिच्छुक है लेकिन उसके भाई ने उसे सूरी के साथ जाने के लिए दृढ़ता से मना लिया है चालबाजों को मैमोन से छुटकारा पाने की आवश्यकता है डोले फिट का विरोध करता है और प्रयोगशाला से एक विस्फोट होता है की अतिरिक्त महिला का उग्र भाई मम्मो का शिकार कर रहा है कौन छोड़ता है सूरी ने डेम प्लांट को अपनी असली पहचान बताई और उम्मीद है कि वह उस पर अनुकूल परिणाम देगा सुरभि ने फेस और सबल को अपनी असली पहचान बताई और उनकी निंदा करता है शीघ्र उत्तराधिकार में कास्त्र शराबी और अर्णनिया की वापसी और पीछे हटने वाले सूर्या पर सेट हैं बताया जाता है कि अगर उसे विधवा का दावा करने का मौका मिले तो उसे स्पेनिश पोशाक मिलनी चाहिए खबर लाता है कि घर के मालिक वापस आ गए हैं लविट के पड़ोसी उसे बताते हैं कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके घर में कई आगंतुक थे चेहरा प्रशंसनीय जेरेमी है और आरोप से इनकार करता है उसने प्लेग के कारण घर को बंद कर रखा है सूरी मैमोन कस्ट्रेल और एनोबैप्टिस्ट लौटते हैं प्रिवी से रोना है डैपर ने अपने गैग के माध्यम से चबाया है जेरेमी अब अपनी कल्पना को बनाए नहीं रख सकते वह लविट से वादा करता है कि अगर वह उसे माफ कर देता है वह खुद को एक समृद्ध विधवा यानी डेम प्लांट प्राप्त करने में मदद करेगा डैपर रानी की परी से मिलता है और खुशी से विदा होता है ड्रिजर स्पैनिश पोशाक का उद्धार करता है और पासन खोजने के लिए भेजा जाता है फेस ने सूक्ष्म और डोल को बताया कि उसने लविट को कबूल कर लिया है और वे अधिकारी रास्ते में हैं, सूक्ष्म और डोल को भागना पड़ता है खाली हाथ पीड़ित फिर से लौट आते हैं लविट ने विधवा से शादी की और मैमोन के सामान का दावा किया सुरीली और मैमोनस सावधानी से विदा होते हैं एनाबैप्टिस्ट और ड्रगर संक्षेप में खारिज कर दिया जाता है कास्त्र अपनी बहन की लविट से शादी स्वीकार करता है लवविट अपने नौकर की सरलता को श्रद्धांजलि देता है और चेहरा दर्शकों की क्षमा मांगता है सारांश का अंत धन्यवाद